जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि योग माया है कौन, तो इनके बारे में आज बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और योग माया जी की जय। देखिए, अगर हम द्वापर युग की ओर चलते हैं तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण थे, और भगवान कृष्ण थे वो आठवें पुत्र थे वासुदेव और देवकी माँ के। कंस को मालूम था कि उसका वध वासुदेव और देवकी का या कोई संतान ही उसको मारेगी, इसलिए उसने शुरुआत के छह जो पुत्र हुए या छह जो बच्चे हुए वासुदेव और देवकी माँ के, उसने उनका वध कर दिया। और सातवां जब बच्चा आया तो सातवें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए। तब आठवां जन्म भगवान कृष्ण का हुआ, और उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा, तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया, और उसको बता दिया कि तेरा काल तो अब पैदा हो चुका है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। यह बात सुनकर कंस तो पगला गया था, और योग माया यह कहकर अंतर्ध्यान हो गई थी। और आगे चलकर इन्हीं योग माया ने भगवान कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस है या चाणु है आदि महाशक्तिशाली असुरों का वध किया था। इसके अलावा पुराणों में ये भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास विंध्याचल है, उसमें जो विंध्या देवी हैं वो भी योग माया है। और ये भी कहा जाता है कि जो योग माया है वो भगवान कृष्ण की बहन मानी गई है। तो योग माया कौन हुई? तो योग माया जो है वो उनका जन्म जो यशोदा जी के गर्भ से हुआ था, उसी समय भगवान कृष्ण का जन्म देवकी माँ के गर्भ से हुआ था। और जब दोनों में अदला बदली हो गई थी तो इसी योग माया को कंस ने मारना चाहा, तो वह मार नहीं पाया क्योंकि योग माया उनके हाथ से चिटक कर आकाश में आ गई, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि कंस का काल तो पैदा हो गया है। तो योग माया जो है, बताया हमने आपको कि वो यशोदा जी के गर्भ से हुई थी, और भगवान कृष्ण थे वो देवकी माँ के गर्भ से हुए थे। और इस और योग माया को भगवान कृष्ण की बहन भी माना जाता है, और जो विंध्याचल देवी हैं वो भी योग माया कही जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि योग माया कौन है, क्या संबंध है भगवान कृष्ण से। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान और योग माया की जय।